अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्योछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा। विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति, प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म संप्रदाय मत पंथ सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव वैष्णव शाक्त पत्य गणपत्य सिख बौद्ध जैन दशानंद दशा शंकर रामानुजाचार्य संप्रदाय निम्बारका संप्रदाय विष्णुनामी संप्रदाय राम सनेही संप्रदाय पंथों में घीसा पंथ गरीबदासी गौड़िया कबीरपंथी वाल्मीकि पंथी धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि महिमा समाज अकाली निरंकारी राम नामधारी राधा स्वामी वरकरी वीरशैव हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं।